Today, let's talk about one very important topic in a very renowned granth of Hindu, which is called Srimad Bhagavad Gita. In Gita, in one slok, Bhagavan Sri Krishna says that I am the primal cause of this whole universe. I am the real cause. And in some other chapter, the Krishna says, Arjun, I am not in this whole creation, I am not in this universe, and the whole creation, the whole universe is not in me. Now we will be discussing what is the real thing, what is the reality behind these two different kind of slokas, seemingly different kind of slokas. Sharma ji, ek jagah Gita mein Bhagwan kehte hain ki main, हे अर्जुन, मैं पूरे जगत का आदि कारण हूं. और फिर तीन चार अध्याय के बाद, मुझे नहीं पता कि कौन सा अध्याय है, पर तीन चार अध्याय के बाद भगवान ये बोलते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें एक बहुत उच्चतम ज्ञान देता हूं, एक सीक्रेट नॉलेज है कि जो पूरा जगत है उसमें मैं नहीं हूं और पूरा जगत मुझ में नहीं है. ये सबसे उच्चतम ज्ञान भगवान ने बोला है और एक सीक्रेट ज्ञान बोला है अर्जुन से. तो शर्मा जी, क्या रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है इसमें? कृष्ण भगवान ने जो इस तरीके का दोहरा ज्ञान दिया है कि एक तरफ है और एक तरफ नहीं है, तो दो दो तरीके का जो डबल ज्ञान दिया, तो उन्होंने इस चीज को साबित करने के प्रयास किया कि जब जगत होता है तो जगत जहां होता है वो तो होने में सब चीज प्रत्यक्ष में है. तो वो कह रहे हैं कि जो चीज आप प्रत्यक्ष में, सारा का सारा जगत, ब्रह्मांड आप देख रहे हो, ये जो जगत का है इसका आदि कारण निर्माता मैं हूं. मैं ये इसका इसका जो है निर्माता या बनाने वाला मैं हूं, और इसको मैंने बनाया है, मैंने ही धारण किया है, और मैं इसमें सर्वोपरि हूं. क्योंकि धारण जब मैंने बनाया है तो अपनी चीज है तो सर्वोपरि तो रहेगा ही रहेगा. तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मैंने धारण किया है, मैंने ही बनाया है, मैं आदि कारण हूं. ये बिल्कुल सही किया है उन्होंने. तो इसमें कृष्ण भगवान ने जब ये बात वहां पर अर्जुन को स्पष्ट कर दी, तो फिर अंततः उन्होंने एक उच्चतम ज्ञान, जो बहुत हाई लेवल का ज्ञान था, तो वो उस ज्ञान को उन्होंने, ज्ञान क्या है वो उन्होंने एक अप्रत्यक्ष स्थिति, अब जगत तो प्रत्यक्ष था तो उसका ज्ञान दे दिया, पर अप्रत्यक्ष स्थिति जो थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, तो उन्होंने बोला कि जहां पर जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा ये सब मिलकर के जो एक निर्माण कर रहे हैं, तो वो वहां पे ऐसा नहीं है कि वो निर्माण कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं, या जो चीज बना रहे हैं तो वो बना बना के ढेर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है. वहां वो बना रहे हैं, बस बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनके कहीं पर वहां पे डंपिंग नहीं है. अच्छा. तो वो चीज उन्होंने बताया कि ऐसा है कि यहां पर ये जगत जो है, जगत मुझ में नहीं है, क्योंकि अब अप्रत्यक्ष स्थिति जो जीवात्मा परमात्मा की, उस स्थिति में आ पहुंचे हैं, तो इसलिए वहां जगत की कोई गणना नहीं है, और जगत वहां बन नहीं रहा है. और वो एक अलग बात कि जगत सूक्ष्म में है, जगत व्यापक में है, वो एक अलग चीज, मगर तीनों में जगत कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है. ये जो स्थिति बताते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे में जगत नहीं, क्योंकि अब मैं तीन स्थिति हूं. तो जो तीन स्थिति है, तो उसमें हम जगत अब है नहीं उसके अंदर, तो मगर तीन स्थिति है. जहां तीन स्थिति होती है तो जगत नहीं होता है. अप्रत्यक्ष जो चीज होती है वो अप्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती है, अप्रत्यक्ष वाली जब प्रत्यक्ष हो जाए तो उन्हें, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है. मतलब जो मूल स्थिति में जैसे पहुंचते हैं परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा के मूल स्थिति में, ठीक है, तो वहां पे जगत जैसी कोई चीज नहीं है. नहीं, वहां जगत जैसे कोई बन नहीं, बन नहीं रही है ना, ना, मगर प्रोसेस नहीं है. कोई चीज प्रोसेस में है, कोई चीज प्रोसेस में है, मतलब प्रयास तो हो रही है कि वहां गति भी है
और शब्द भी है और सिस्टम भी सारा है वहां, जितने मटेरियल होने चाहिए वहां पर, संभावना सारी है। हाँ हाँ, पूरी संभावना है, संभावना है, संयोग सारे हैं। हाँ, संयोग सारे, तीनों संयोग है, ठीक है। तो वहां पे जगत नहीं है, नहीं नहीं, वहां स्थिति में नहीं, वो उन्होंने अब बना रहे हैं, बनाने के बाद में कोई चीज अभी तक बना के उन्होंने खड़ी नहीं करी, ना कोई बना के रखी है, बना के नहीं रखी उन्होंने, बस बना रहे हैं। मतलब वहां पे संस्कार जैसी कोई चीज नहीं, ना तो वहां पे संस्कार जैसी, ना आपके संकल्प जैसी कोई चीज है, वहां ऐसा नहीं है, ना कोई विचार जैसी कोई चीज है, वहां कोई चीज इस टाइप की है ही नहीं कि ये रखे जाए ये चीज। इन नटशेल वी कैन से दैट व्हेन भगवान सेज आई एम द आदि कारण, आई एम द प्राइमल कॉज ऑफ दिस होल यूनिवर्स, इट मींस दैट व्हेन द पर्सन इज नॉट सेल्फ रियलाइज्ड, फॉर दैट पर्सन दिस होल क्रिएशन इज बिफोर हिम। इन दैट सिचुएशन इफ द होल क्रिएशन इज बिफोर हिम, देन ही इज नॉट इन हिज सेल्फ रियलाइजेशन, ही इज नॉट इन हिज आत्म अनुभव। इन दिस सिचुएशन the real cause of this whole universe which is before the person, Bhagwan Krishna says I am the adi karan, then he is the root cause, real cause of this whole universe. But when the person is self realized, when he is in the atma anubhav, in that situation there are mainly three things: paramatma, atma and jivatma. In that situation the creativity is taking place, but there is no accumulation of that, and there is no manifestation of the universe or this whole creativity. And in that is why in that situation, in the Atma Anubhav, Bhagwan says, the universe is in me, nor I am in the universe. So for the self-realized person, neither the universe is in the Paramatma or Paramatma is in the universe. But for the self-realized person, when he is in the Atma Anubhav, there are three basic things: Paramatma, Atma and Jivatma. And over there is creativity, but there is no creation, there is no accumulation of things. Thank you.